46 लाख रुपए की लागत से 6 कचरा वाहनों को क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यह कचरा वाहनों में GPS सिस्टम सहित 4 बॉक्सों में अलग अलग कचरे डालने की व्यवस्था है। इन कचरा वाहनों से एरिया वाइज एरिया और घरों से निकलने वाले कचरे को अलग अलग बॉक्स में डालने की व्यवस्था है, ताकि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। इन कचरा वाहनों की सौगात से नगर के स्वच्छता अभियान को मिलेगी गति। वाहनों को उत्साह पूर्वक ढोल नगाड़ों के साथ जनप्रतिनिधियों ने श्याम चलाकर वाहनों को किया रवाना। क्षेत्रीय सांसद ने कचरा बहनों का पूजन कर पहिए के नीचे रखा नारियल बहनों को किया रवाना। नगर को 10 लाख की लागत से मिली सौगात। स्टेडियम में बने जिम का सामान धूल खाकर ताले में कैद है। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय सांसद से पूछे गए सवाल पर बोले कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, उसे दिखवाकर जल्द चालू किया जाएगा और खराब पड़े सामान चालू करवाया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक, पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र नाथ पाठक, जनप्रतिनिधि आदि सहित नगर पालिका का अमला मौजूद रहा। टीम भारती न्यूज। 22 साल से धूल खा रही हैं। पूर्व विधायक के प्रयासों से वहाँ पर लोगों के लिए जिम की व्यवस्था की गई थी, जो ताले में बंद है, लगभग 2.5 वर्ष हो गए हैं। आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है और मैं इस संबंध में संबंधित प्रशासन से बात करके उनका जिम के सामान का उपयोग हमारी युवा पीढ़ी को जो है उसका उपयोग करने के लिए मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत जो खराब हो गया उसको ठीक करने की व्यवस्था। सर, नगर पालिका में आज हरियाणा दिखाई गई है स्वच्छ वाहन को लेकर। नगर पालिका परिषद नौगांव में अभी तक 3 स्वच्छता वाहन थे, लेकिन आज 6 और नए वाहन इसमें जोड़े गए। नगर पालिका के पास अब 9 स्वच्छता वाहन हो जाएंगे। इन स्वच्छता वाहनों से नगर के कचरे को उठाने के लिए नगर पालिका के CMO महोदय के द्वारा और अलग अलग जोन बनाए गए हैं। पहले क्या होता था, स्वच्छता अभियान वार्ड के अनुसार किया जाता था, लेकिन अब जब ये वाहन जाएंगे तो 9 वाहनों का पूरे नगर के वार्डों में इस तरह से एरिया वाइज जोन बनाए गए हैं कि एक वाहन जब जाएगा तो उस जोन के घर में पड़ने वाले घरों का उनका सबका कचरा लेकर आएगा। वाहन बढ़ने से स्वच्छता के काम को और भी ज़्यादा गति मिलेगी और उसमें मैंने आज आह्वान किया है नगर पालिका के CMO महोदय जी से कि इस काम में नगर के लोगों की भागीदारी भी इसमें जोड़ना चाहिए और एक बड़ा आयोजन करके नगर के जो व्यापारी हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं और जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं और जो प्रमुख लोग हैं, ऐसे सारे प्रमुख लोगों को बुलाकर, कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी बुलाकर उन सबके भी विचार इस स्वच्छता अभियान को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, नगर को कैसे साफ स्वच्छ रखा जा सकता है, जनता की भागीदारी उसमें सुनिश्चित की जाए। और ये शहर केवल नगर पालिका को साफ स्वच्छ रखने के लिए जिम्मेवारी नहीं, बल्कि इसमें जब नगर के सारे लोगों की भागीदारी जुड़ेगी तो नौगांव नगर वैसे भी अपने उसके लिए बछाड़ के लिए प्रसिद्ध बनाए हुए है। आने वाले समय में जिस तरह से इंदौर में स्वच्छता अभियान के बारे में लगातार जो है इंदौर को पुरस्कार मिल रहा है, वो पुरस्कार इसके कारण से मिल रहा है कि वहाँ के इंदौर के नागरिक जो है ना, वहाँ का बाहर का कोई व्यक्ति अगर कचरा डालता है तुरंत वाहन को रोककर और कहते हैं कचरा उठाओ। इसी तरह से जब हमारे नगर के सारे लोगों की भागीदारी स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ेगी तो आने वाले समय में नगर पालिका नौगांव जो है ना अपने स्वच्छता अभियान के माध्यम से, अपनी सुंदरता के माध्यम से पूरे क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएगी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।